अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सुबह से कर रही थी, तकियों के सारे उछाड़ चेंज किए हैं मैंने, और ये रही बिस्मिल्लाह फिश, और अम्मी ने इसे किया है वॉश, और अब मैं चेक कर रही हूँ कि वॉश सही है। तो मेरी कोशिश है कि इसी को ही मसाला लगा दूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी गंदी लग रही है। और जैसे मेरे मोबाइल की लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है, तो मेरी कोशिश है मैं फिर दोबारा से एक दफ़ा इसको दोबारा वॉश करूँ। पानी अम्मी ने तो वैसे धो ली हुई है, फिर भी मसाला लगाना था तो मेरे को तसल्ली नहीं हो रही। अपने हाथ से जो काम किया होता है, लेकिन फिर पानी डल जाएगा ना, देखिए अभी गंदी क्या है। तो मसाला मैं इसको बनाऊंगी और लगाती हूँ, पानी का दिक्कत कर दी अच्छी तरह से। सारा अच्छी तरह से हम इसे साफ करेंगे, और छुरी के साथ में ये भी साफ करूँगी। अभी एक हाथ जितना मोबाइल है, इस वजह से भी मैं पानी के अंदर फटिक करूँगी, ताकि इसका नमक वगैरह भी निकल जाएगा, और जो इसका ब्लड वगैरह है वो भी सब रिमूव हो जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से वॉश करें, और इसमें हम मसाला लगाएंगे, और जब मैं मसाला बनाऊँगी तो फिर मैं आपके सामने आपको बताती हूँ कि मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। मसाला, और इस तरह से मैंने रख दिया है इसको, पेट रख के ये नीचे सारा पानी निकल गया होगा, ये नीचे पानी निकल गया सारा पेट रख के। और ये है मछली का मसाला, पूरा पैकेट डालेंगे ही। और यहाँ पे मेरे पास सिरका भी नहीं है, और थोड़ा सा सामान हो नहीं है, तो थोड़ा सा मैं तोड़ दूँगी इस टाइम कॉम्प्रोमाइज। और ये रही मेरे हल्दी, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक, ज़रूरत नहीं फिर भी हल्का सा हमने डालिए, क्योंकि हमारे घर में सबको ब्लड प्रेशर का मसला है। थोड़ा सा इसमें डालूंगी अचार गोश्त का पैकेट, क्योंकि मसाले मेरे पास कम थे, और थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च मेरी, डालेंगे ये सारे नींबू, इन सारे नींबू को मैं इसमें डालती हूँ, और फिर इसमें डालेंगे बेसन थोड़ा सा। इनको ट्राफ को हमने बिल्कुल कर लेना है ड्राई, और ये मेरा मसाला, इसमें मैंने लेमन भी डाल दिए हैं, थोड़े से बीच नजर आ रहे हैं। इसमें मैंने कूटी हुई मिर्ची, अचार गोश्त का पैकेट सारा डाला है, और लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है, और लेमन का बेसन इस्तेमाल कर दिए। और ये रही फिश, मैंने इसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं रखे, जब थोड़ा सा पानी निकाल दिया तो उसे टाइम नहीं है, इतना लेट हो गई मैं। ये पानी अभी है इसमें, अगर आपके पास टाइम है तो इसको भी आप रहने दें, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत पानी है। ये देखें अभी इसके अंदर पानी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा पानी है, क्योंकि हम जब मसाला लगाते ना इधर पानी, ये जब मसाला लगाएंगे सारा निकल जाएगा, इसलिए लिहाजा आप कोशिश करें कि पानी निकालें। लेकिन ना हमारे घर वाले, आपको पता है खाना टाइम पे ना मिले तो मसला, पर ये जगह ना उतरा यहाँ पे। और थोड़ा सा स्पेस काम है हमारा, ये हम सारा आप हैंड का यूज़ करें, और सारे मसाले अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेने पहले, सबसे पहले मसाला हल्का सा आपने, हाँ मैंने अजवाइन भी इसमें ऐड किया है, और हल्का सा इसमें 2 या 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें बैकग्राउंड क्या हुआ है, जीरा नहीं ऐड किया चाहिए, जीरा हाँ वो पड़ा है। और अच्छी तरह से हम इसको लगाएंगे यहाँ पे मसाला,
में। गरम कर रही हूँ इस टाइम, और ये मैंने मसाला लगा कर रखा हुआ है। जैसा मैंने आपको कहा था पानी इसका निकला नहीं था, तो मैंने बस वैसे करके बस निकला तो नहीं पानी इसका, तो अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। 10-15 मिनट मैंने यहाँ 20 मिनट हो गए होंगे मैंने इसे रखा है। अब टाइम नहीं है और डैडी को लगी है भूख, फिलहाल करने लगे हैं इसको फ्राई। फ्राई करने के लिए सबसे पहले बेहतर है आपका ऑयल इतना गर्म होना चाहिए, इतना अच्छी तरह से इसकी हीट होनी चाहिए कि आपकी फिश अच्छे से फ्राई हो और नीचे ना लगे। जो अक्सर लोगों की जो होती है ना वो नीचे इसलिए लग जाती हैं कि ठंडा ऑयल होता है। ठीक है, आप कोशिश करें इसे अच्छी तरह से इसको गर्म करें। मैं बना रही हूँ 7-7 लेमन पानी। आज खाने में हम बनाएंगे 7 मिनट लेमन पानी, और बन चुका है साल। ये रही इसकी साल और बन चुके हैं राइस। इट्स रेडी। अब मैं बना रही हूँ मछली का सूप, और इसके लिए मैंने प्याजों को ना पहले बॉईल के पानी में फिर उसको रेड करके तो ब्रांड कर लिया, और यहाँ पर फिर चोरी है रेड साथ। और ये देखिए जो ब्रांड किया हुआ था, अब मैं इनको भूलूँगी, फिर मैं रेड की हुई मछली डाल दूँगी और फिर थोड़ा प्याज। मैं इसमें थोड़ा मतलब नीचे को बहुत ज़्यादा थोड़ा फीका था, थोड़ा सा मसाले डाल दूँगी, थोड़ा सा चार मसाला लाल डाल दूँगी आज। और इसलिए इसको रेड करके जो रेड कर रही हूँ, फिर डे जो होते हैं मछली के, वो मैं कुछ ऐड करती हूँ। और अभी बना रहे हैं मछली का सूप, दोपहर को फिश फ्राई कर रही थी, और अभी मैंने कहा कुछ थोड़ा तेज़ हो गया और साथ में फाइन बॉइल्ड आई। ये हो चुका है मसाला रेडी, थोड़ा सा ना होटल मछली डालकर और